Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. तो यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कलवा और आप सभी लोग देख रहे हैं कलवे के व्लॉग्स। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज वीडियो को लाइक करना बनता है। इस वीडियो पर कम से कम 3000 लाइक तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। हमारा तीसरा व्लॉग आज हम जो शूट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे बहुत ज़्यादा भाई लोगों ने बोला कि आरिश भैया और ये कलवे के व्लॉग्स को स्टार्टर को, क्योंकि दोस्तों भाई लोग ना कलवे को यार बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये प्यार को जो कंटिन्यू रखा जाए। तो देखो ये तो अपना गैरेज है, हम यहाँ पर आए थे। वो बेसिकली ये ना रात मैंने है ना एक गाड़ी मंगवाई थी, क्योंकि एक यहाँ पर अंकल रहते हैं तो उनके पास थी होंडाई वरना। जी हाँ, ओल्ड मॉडल की होंडाई वरना है, बट सिंगल हैंड यूज़ कर रखी है और सिंगल हैंड यूज़ कर रखी है। वो तो आपको पता है बेचारा एक बुढ़ा आदमी कितनी गाड़ी चला लेगा, बहुत कम गाड़ी यूज़ कर रखी है, बहुत ज़्यादा कम। और गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, कंडीशन देख लो एक बार गाड़ी की। और नताशा जी को है ना एक पग कुत्ता भी चाहिए था, तो मैंने कहा यार चले उनको एक पग कुत्ता भी दिलवाऊंगा। बट अरे यार नताशा यार तू हुक्म कर दे, अगर तेरे लिए तो जान हाजिर है यार। चलो और अपनी गाड़ी होंडाई वरना देख लो दोस्तों। बेसिकली ये एसेंट लिखा हुआ है इसके पीछे, बट ये होंडाई वरना आप सभी लोगों को पता होगा। और ये हमें बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गई है। तो इंडिया में इसका नाम जो है होंडाई वरना है, और यहाँ पर हमारे लॉस सैंटोस में इसका नाम जो है एसेंट है। तो मैंने सोचा इस गाड़ी को, येलो कलर की थी, मैंने कहा अच्छी कार है तो इसको क्यों ना रखा जाए। और कुछ लोग ये बोल रहे थे भैया बाल कटवाओ कलवे के, बहुत दिन हो गए। तो मैंने सोचा आज के इस व्लॉग में हम बाल भी कटवा लेंगे। तो चलो और नताशा चलते हैं, बैठो। अरे यार नताशा जी यार तुम क्या करती रहती हो, बस लाइट बंद करो गाड़ी की। तो होंडाई वरना काफ़ी अच्छी दोस्तों चल तो रही है, मज़ा आता है गाड़ी को। अरे यार आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दी नहीं है यार, ना तो हमें कहीं जाना है ना तुम्हें कहीं जाना है, तो आराम से चलो ना। अरे अरे भैया फालतू में बम्पर में चोट लगवा दी यार इन्होंने, बस क्या बोले यार अब इन लोगों को भी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ से जाना है, यहीं चलेंगे। चलो एकदम, तो ये होंडाई वरना की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो तो काफ़ी अच्छी दे रही है। और भी लोगों के पास यहाँ होंडाई वरना है, ये देखो ये खड़ी है। ये असल में अब इसका कुछ ज़्यादा क्रेज़ चलने लग गया। देखो इंडिया में तो ये बहुत ओल्ड मॉडल हो चुका है, और अगर इंटीरियर वाइज बात की जाए तो बहुत अच्छी गाड़ी है यार। नताशा जी को तो अच्छी लगती है, हम एकदम बजट गाड़ी आ जाती है। अगर आप सभी को ये एक बजट कार लेने की सोच रहे हैं तो ये होंडाई वरना यार आप सभी लोगों के लिए दोस्तों लो ना, बहुत भयंकर गाड़ी है यार ये। और ये बेचारे भिखारी, मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को दान में दूंगा, बस क्या करें यार। लोग बागों की जिंदगी दोस्तों बहुत खराब है यार, फिर भी कलवा तो बस यार तौबा करनी चाहिए ऐसी जिंदगी से। बस दोस्तों आप बताया कीजिए। अरे यार यार भीड़ बहुत है आजकल शहर में, पता नहीं क्यों लगता है लोग बाग गाँव से वापस आए हैं, शायद ऐसे ही लग रहा है मेरे को। गाँव से वापस आए हैं तो फिर ऐसे ही रहता है मामला पानी, सेट से थोड़ा रहता है। चलो कोई बात नहीं, अब हमें क्या लेना देना है दोस्तों। देखो कोई कहीं से भी आया हो, कोई कहीं का भी रह, किसी के मामले में दखल अंदाजी क्यों दे, क्यों है ना दोस्तों। तो चलो चलते हैं, चलो सीधे रास्ते से जाना है। अरे भैया यार भीड़ बहुत ही है यार शहर में आजकल तो, हर मोड़ पर, अरे यार हर मोड़ पर आपको भीड़ देखने के लिए मिलेगी। और ये बस लोग बागों ने भी कुछ ज़्यादा ही शहर में भीड़ कर दी है यार दोस्तों। चलो आराम से चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। ज़्यादा धक्का मुक्की करनी भी नहीं चाहिए यार, आराम से चलेंगे तो ज़्यादा वो भी नहीं होगा और आराम से निकल जाएंगे। बट ये हाँ शहर के थोड़े ट्रैफिक नियमों की पालना भी करनी चाहिए। हाँ हम बहुत अमीर इंसान है दोस्तों शहर के, बट अगर हम भी पालना नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा यार शहर का, आप ही बताओ है ना। सबसे पहले तो हेयर कट करवाने हैं, चलो आ जाओ नताशा जी, बाल जरा कटवा लूँ ना और थोड़ी शेव भी करवा लूँ। शेव करवाने की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे। और ये अपना कलवे का बहुत जिगरी दोस्त है यार मेरे, बहुत अच्छे अच्छे से नहीं बाल काटे हैं तो इसका बहुत एहसान रहता है मेरे ऊपर, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। चलो हेयर स्टाइल गाइज जो कलवे का करवाना है, ये वाला हेयर स्टाइल देखो सबसे बेस्ट रहता है। इस बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग करवाऊँ, ये भी अच्छा है कट,
पर वो कुछ दिखेगा नहीं, सबसे बेस्ट लगता है मेरे को तो ये वाला, सबसे बेस्ट लगता है यार मेरे को। मैंने सोचा यही वाला कट, $300 का कट है दोस्तों, $300, समझ रहे हो साला, $300। और बियर्ड ये वाली है इस टाइम मेरे पे, फ्रेंच रखता हूँ सामने वाली, सिर्फ फ्रेंच ना अच्छी रहेगी, साइड से कटवा लेता हूँ और सामने की फ्रेंच रखता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, है ना दोस्तों। चलो बढ़िया, चलो यार थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच इतना अपना टाइम देने के लिए मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया यार तेरा। चलो आ जाओ नताशा, चलो यस चलो। मैं बंदा बहुत गुड है यार, जरा से भी ना तो ज्यादा पैसे मांगता है, वरना $500 लेता है मेरे से, बिल्कुल जायज पैसे लेता है बेचारा। नताशा जी के भी बाल हाइलाइट्स कराने थे मुझे, बट वो कराए थे मैंने इनके पास से नहीं कराए थे, नताशा जी के बाल गोल्डन कहीं और से कराए थे, क्योंकि यार ये बेचारा इतने पैसे ना लेता, फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है ना यार किसी की दुकान पर बार बार जाना और वो पैसे नहीं ले। अरे यार दोस्तों तुम्हारे चक्कर में भी लौंडियाँ उड़ा देता मैं। मैडम जी जाओ, नहीं जाना मत जाओ। अरे यार ये अम्बेसडर वाले भैया कहाँ आ रहे हो यार बीच में, तुम भी बिल्कुल ही बीच में आना जरूरी थोड़ी है ना अम्बेसडर वाले भैया तुम्हारा। चलो अभी हमें दोस्तों जाना है सबसे पहले तो मेरे गराज में भी, यहाँ पर तो सामान तो दोस्तों तुम्हारे भाई ने बहुत रखा हुआ है, बट फिलहाल तो देखो मुझे यहाँ एक यहाँ पर मेरे एक वो आंट लड़की नहीं है जिसकी दुकान पर मैं उस दिन गया था कपड़े वाले की दुकान पर, यार उसने है ना एक शर्ट का जो साइज है ना वो हो गया था, और उसके पास उस दिन पैसे भी खुले थे तो मैंने उसे पैसे दे दिए थे। आज मैं थोड़े और पैसे मिला कर जो है एक सूट ले लेता हूँ जो भी पहनकर जा पाऊँ मैं। ओए भैया बचा, बच गई, वरना वरना ठुक जाती ना, वरना बहुत बुरा होता। अरे नताशा जी मैं आपको कह रहा हूँ ना, उस दिन जब मैं आया था तो देखो कंट्रोवर्सी मत करो अब यहाँ पर लोगों के सामने, ये तो नताशा जी ना हर किसी के सामने ना लड़ने लग जाती है मुझसे। अब देखो यार ये बोल रही है कि तुम्हारा इसके साथ चक्कर चल रहा है, यार तुम्हें लगता है क्या मैं, अरे यार नताशा देखो देखो तुम्हें लगता है क्या मेरा चक्कर चलेगा वो भी इस दुकान वाली के साथ, मैं तो यार यहाँ से बस कपड़े खरीदता हूँ, कह रही हूँ तुम इस कपड़े की दुकान पर बहुत आते हो, तुम्हारे इसकी दुकान वाली चक्कर चल रहा है, क्या बोलूँ यार अब मैं क्या बोलूँ। यहाँ तो जिंदगी खराब हो गई यार मेरी, कल की वाकई में जिंदगी खराब हो गई। ये लगती है क्या तुम्हें छछुंदर से शक्ल वाली, इससे चक्कर होगा कलवे का, वैसे भी शर्ट पहननी है व्हाइट कलर की, तो बस चलो चल रहे हैं आ जाओ, मैं ज़्यादा रुकूंगा भी नहीं इस दुकान में, वरना तुम फालतू में शक करने लग जाओगी, फालतू में बोलेगी $118 की उन्होंने शर्ट दी है मेरे को, और ये बोल रही है 7-8 हज़ार रुपये की दोस्तों शर्ट है एक ये देख लो। चलो नताशा वरना तुम कुछ और बोल देगी, अब देखो मुँह फुलाई बैठी है ना, पीछे बैठेंगी, बस लड़ाई हो रखी है तो पीछे बैठेंगी, आगे बैठ जाए मजाल ही नहीं है बंदी आगे बैठ जाए, बस क्या करे यार अब हम दुखी हूँ यार मैं इन सब रिश्तों से। चलो सबसे पहले भी नहीं इनका कुत्ता दिलवाया जाए, वरना ये और नाराज़ हो जाएंगी, मुझे पता है ना इनका, ये और नाराज़ हो जाएंगी अगर अब इनको इनका जो पेट है वो ना दिलवाया गया। तो चलो चलते हैं दोस्तों सबसे पहले। अरे यार यार एक तो इन लोगों ने है ना एकदम ऐसे सोच रखा, भैया थोड़ी तेज चला लो यार, तुम्हारे पास इतनी फास्ट गाड़ी, यहाँ तो साली हम वरना लेके घूम रहे हैं, यहाँ तो वरना ही हम चढ़ाइयों पर भी 100-100 भगा रहे हैं, और ये बंदा इतनी अच्छी स्पोर्ट्स कार लेकर भी भगा नहीं रहा है, भले ही हमारी वरना एक इंडियन कार है। यार नताशा जी कब तक करोगे यार गुस्सा, छोड़ दो ना आगे आकर बैठ जाओ यार, मुझे नताशा जी के बगैर ना अच्छा नहीं लगता यार दोस्तों। अब ये देखो अब ये बाफालतू में नखरे करेगी नताशा, मुझे पता है ना इनका, हाँ यूँ नहीं आगे आगे बैठ जाओ, थोड़ा कलवे का भी थोड़ा थोड़ा दिल सा लग जाएगा, नहीं ये मजाल है अगर आके आगे बैठ जाइए नताशा जी, बस यार कभी कभी इन्हीं चीज़ों से मैं परेशान हो जाता हूँ यार, फिर नताशा जी की मैं बोलता हूँ नताशा जी बैठ जाओ ना नताशा, नहीं सुनेंगी, मजाल है अब सुन भी ले नताशा, कानों पर नताशा जी के जू भी नहीं रहेंगे ये, अब तो आके ही नहीं बैठेंगे, अब तो दिखाएंगी नहीं कैसे बैठना है भैया, आगे बैठती कैसे है लड़कियाँ बैठती कैसे, वो भी दिखाएंगी अब तो आगे आके, अब जब तक इन्हें इनका कुत्ता ना दिलवा दूँ मैं, चलो इनका कुत्ता ही दिलवाया जाए यार। वैसे नताजी कौन सा कलर लेना है पक्का बता दो, बोलेंगी नहीं कुछ भी, कुछ नहीं बोलेगी यार, बस क्या बोलूँ यार दोस्तों मैं,
और अच्छा होंडा ही वरना कैसी लग रही है आपको नताशा जी? यार आज का ब्लॉग इन्होंने बहुत वो कर दिया। चलो सेब दिलवा दूँ, सेब खाओगी नताशा जी? सेब खा, अरे यार नताशा जी सेब खाने हैं क्या? खाने तो बताओ, नहीं खाने? चलो चलो चले। हाँ, कच्चा रास्ता लेता हूँ ना, कच्चे रास्ते जल्दी पहुंचेगा। अरे वेदर कैसा है यार ये? मैंने कहा ये बदन धुंधला धुंधला, धूप कहाँ से आ गई यार? हम तो बिल्कुल सुहाने मौसम की तलाश में निकले थे और यहाँ पर मौसम ही बिल्कुल बिगड़ गया है। ये तो गलत बात हो जाती भैया, आज बहुत तगड़े वाली गलत बात हो जाती है। तो चलो चलो बढ़िया। आज मौसम नताशा जी बड़ा बेईमान है यार। बोल लो यार, हमसे बात भी कर लो यार नताशा बेबी, बात कर लो। नहीं करेंगी यार, छोड़ो। अब ये नताशा जी तभी खुश होंगी जब इनको डॉग दिलवाएंगे इनका। चलो नताशा जी को नया इनका डॉग दिलवाते हैं। अरे आराम से मुड़ जा यार ट्रैक्टर। हाँ यार इसी इन रोड पर इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं आते सिटी से, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक्टर वैक्टर बहुत ज़्यादा है और मतलब ना ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, तो फिर नहीं आ पाते। बट कोई बात नहीं। अरे भैया 60 की लिमिट है, तुम तो साला बिल्कुल ही आराम आराम से चला रहे हो, 50 से ऊपर भी नहीं भगा रहे। हाँ तो हम देखो एकदम यार गाड़ी भागती कितना ये देखो जरा। इधर ही है ये सैंडी शोर, सीधा है सैंडी शोर तो जाना ही नहीं हमें, तो ऑल्ट पे यार पार्क जाना था, वो उसके पेट शॉप है ना वहाँ पे, उस पे जाना था। ये इधर ही है पेट शॉप। चलो पेट शॉप दोस्तों हम आ चुके हैं, मुझे लगता है गाड़ी जो को है यहीं पर पार्क कर देनी चाहिए। अब भूख भी लग गई इतनी जल्दी, भूख भी तो एकदम लग जाती है भैया इतनी जल्दी भूख लगती है। चलो सबसे पहले तो वहाँ पर जो है उस शॉप पर जरा कुछ खाने के लिए, मैं ज़रा कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ दोस्तों। नताशा जी साथ आ रही हो क्या? आ जाओ वहाँ पे दोस्तों, ये सारे जानवर वगैरह ना इस दुकान पर मिलते हैं, तो अगर आप कोई जानवर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप इस दुकान से आकर जो है ले जा सकते हैं, ठीक है? चलो वैसे छोटा सा ये कस्बा है, छोटा सा गाँव है एक, तो यहाँ के लोग भी बेचारे बहुत अच्छे हैं, बहुत मदद करते हैं, बढ़िया हैं बेचारे बंदे। हाँ बट यहाँ चूहे वूहे भी होते हैं बहुत सारे। रुक जाओ जरा, इस दुकान से पहले कुछ खरीद लूँ खाने के लिए। कम इन ए टू शॉप, मेरी तो हेल्थ फुल है, नताशा जी को खाना था, ठीक है? चलो और बताओ, और तो कुछ नहीं लेना? चलो हेल्थ फुल हो गई ना। अरे हमने बेचारे अंकल की दुकान को गंदा कर दिया, अभी भी पोछा लगाया था इन्होंने। चलो अंकल कोई बात नहीं, आते रहेंगे हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर हैं। बेचारो कोई कोई एकदम सफाई वफाई करके हटता है ना, तो एकदम तुम जाओ उसकी दुकान का एकदम फर्श वर्श गंदा कर दो, तो कोई भी बंदा होगा एकदम चिढ़ने लग जाता है, तो फिर थोड़ी बातें बनाने के लिए ना बोलना पड़ता है यार दोस्तों। हाँ चलो अब जरा पेट ले लिया जाए। नताशा जी ने बोला था इनको चाहिए वोडाफोन वाला कुत्ता, तो वोडाफोन वाला कुत्ता तो यहीं पर मिलेगा, वोडाफोन वाला डॉग। वोडाफोन वाला डॉग यहाँ पर बेसिकली आपको कोई भी एनिमल लेना है यहाँ पर टाइगर तक मिलता है दोस्तों, टाइगर तक, इवन टाइगर तक यहाँ पर आप इसको जो है परचेज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं नताशा जी के लिए डॉग। हेलो एंड वेलकम। $900 की ये बिल्ली है एक, क्या बात है। इनके कलर भी अलग अलग है, आप इनका कलर भी देख सकते हैं दोस्तों, कलर बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर अवेलेबल है। और ये मुर्गी भी है, मुर्गी कौन लेगा $10 की? ये आता है एक, ये डॉग है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें भी तीन चार कलर आते हैं, नहीं चाहिए। लेब्रा भी आता है, लेब्रा के भी दो तीन कलर आते हैं, ब्लैक भी आता है लेब, नहीं। अरे हाँ ये पक चाहिए इनको तो, पक कौन से कलर में चाहिए?
नॉर्मल कलर ही जो आता है पक्का। ये वाला ना $1,080 का, यानी कि दोस्तों करीबन अगर हम इस कुत्ते को परचेज करें तो ये पूरा का पूरा कुत्ता हमें पड़ेगा $1,080, यानी कि ₹70,000 के करीब जीएसटी वीएसटी लगाकर ये हमें पूरा 70,000 के करीब पड़ रहा है। तो चलो लेना तो है ही क्योंकि नताशा जी का मन है। नाइस डूइंग बिजनेस। इसका नेम हमें रखना चाहिए टफी, नहीं टॉमी रखना चाहिए इसका नेम, टॉमी नहीं, टॉमी नहीं रखना चाहिए इसका नाम, रखना चाहिए हमें बा नहीं मूलचंद जी, मूलचंद जी। इसका नाम हमने रखेंगे मूलचंद जी, ठीक है। ये है मूलचंद जी, ठीक है। मूलचंद जी से मिलो दोस्तों सब, ये हमारे मूलचंद जी हैं, बहुत प्यारे हमारे मूलचंद जी हैं, ठीक है। कहाँ मूलचंद कहाँ गया मूलचंद? ओए मूलचंद, साला मूलचंद गया कहाँ? अबे ओ मूलचंद, लगता है मूलचंद साला गया हुआ है कहीं। मूलचंद बेटा रुक जाओ, मूलचंद को कमांड देनी पड़ती है ना। ये आ गया मूलचंद, गड्डी विच आ गया सीधा, मूलचंद साड़ी गड्डी विच बह गया। नताशा जी तो गुस्सा होके अंदर ही बैठी है यार। चलो इतने मूलचंद जी को जरा मैं एक बार अलग से घुमा कर लाता हूँ, देखता हूँ ये मूलचंद जी है कैसे। साइड का इंडिकेटर दे रखा है, चलो चलो आवे मूलचंद बाहर आ। ओए मूलचंद बाहर आ जा, नताशा तेरी मम्मी जो है ना। कहा है मूलचंद? ये रहा दोस्तों अपना मूलचंद। ओए मूलचंद साले को पॉटी आई है क्या? पॉटी कर रहा है वे मूलचंद? है बे मूलचंद बेटा पॉटी आई है, पॉटी करनी है बेटा को, पॉटी करनी है। अब यार नताशा जी कहाँ चली गई यार, इनके ये ड्रामे रहते हैं यार दोस्तों। ये लड़के भाग गई, रुको यार दोस्तों भी जरा थोड़ा मनाना पड़ेगा यार उनको, जरा बुला कर लाता हूँ जरा रुको। 2000 years later यार नताशा यार हमेशा क्या मतलब तुम्हारा, तुम उस कपड़ों की दुकान में चली गई थी, मुझे लगा तुम लड़ रही हो मुझसे। तुम्हारे तो यार तुम्हें भी कपड़े चेंज करने थे तो वैसे बता देती, बताकर तो जाती। मैंने सब्सक्राइबरों को सबको बोला व्लॉग के अंदर तुम बेइज्जती करा रही हो मेरी, मैंने सबको ये बोला कि तुम जो है ऐसे ही गई थी बस। अब चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। ये रहा अपना प्यारा मूलचंद, नताशा कैसा है? चलो देखो नताशा जी, लड़नी अच्छी बात नहीं होती, अब हम परिवार वाले बन गए हैं। अब देखो हमारे परिवार में हमारा बेटा मूलचंद आ गया है। अब मूलचंद बेटा इतना अच्छा है तो मूलचंद बेटा का व्यवहार कितना अच्छा होगा। मूलचंद बेटा इधर आओ, देखो मूलचंद बेटा मुझे फॉलो भी करता है। आ जा मेरा मूलचंद बेटा, आ जा पापा के पास आओ। देखा नताशा मूलचंद कितना अच्छा है अपना। तो चलो आओ दोस्तों, अब नताशा चल सबसे पहले से घर लेके चलते हैं मूलचंद को। आ जा ओके, तो मूलचंद को हमें बिठाना है। आए नताशा तुम पीछे बैठो ना, क्योंकि मूलचंद देखो इधर आएगा, मूलचंद को आगे बैठना है ना। इधर आओ तुम, पीछे बैठो तुम, इधर आओ। अरे ससुरी लौंडिया मार कर जा रही है। आओ नताशा तुम पीछे बैठो, हाँ तुम पीछे बैठो। अपना बेटा मूलचंद भी गड्डी विच बह गया। क्यों बेटा मूलचंद? मूलचंद बेटा सो रहा है क्या? क्या कर रहा है तू? गाड़ी के अंदर बैठा नहीं क्या पहले कभी? तो दोस्तों हमने मूलचंद को भी ले लिया और मूलचंद को और नताशा जी अब हम जा रहे हैं घर। तो आज के इस व्लॉग में हमने बहुत मजा किया,
हमने कपड़े भी बदले, हमने वरना भी लिए, हमने मूलचंद को भी लिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप बताइए क्या मूलचंद को हमें पार्क में या फिर बीच पर घुमाने लेकर जाना चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है नेक्स्ट व्लॉग में, आप सभी एक बार कॉमेंट करके जोर से बताना। उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा हमारा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, 3000 लाइक प्लीज कंप्लीट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर से दबा देना, ठीक है। तो यार मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए